रेलवे ने यात्रियों को एक नई खुशखबरी दी है। रेलवे ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली और कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नवरात्रि से पहले शुरू हो जाएगी। हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत होने के बाद दिल्ली और कटरा के बीच की यात्रा केवल 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। पहले इस यात्रा में 12 घंटे का समय लगता था। इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाया गया था। जहां तक सवाल दिल्ली कटरा रूट का है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी में ये उस दिन कटरा से 3 बजे चलेगी और रात 11 बजे वापस दिल्ली पहुंच जाएगी। ये ट्रेन अधिकतम 130 किलोमीटर की गति से चलेगी। कटरा पहुँचने से पहले अम्बाला, लुधियाना और जम्मू तवी में 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। इसे पूरी तरह से भारतीय इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है। वंदे भारत को 97 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 360 डिग्री तक घूमने वाली सीटें हैं। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है जिससे ऊर्जा की बचत होती है। एरोडायनामिक डिजाइन वाले ड्राइवर कैबिन ट्रेन के दोनों सिरों पर लगाए गए हैं ताकि मंजिल तक पहुंचने के बाद ये तुरंत वापस लौट सके। तो अब यात्री पहले से कम समय में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच सकेंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.